टीपी के बेच में मैं उमेश शर्मा ने आपका स्वागत करता हूँ। एक आपाधापी जरा मचा हुआ है, अभी तीसरा विकल्प और संकल्प और महासंकल्प के रूप में जो पार्टी उभरी जेल के, जिसको लेकर ये कहा जा रहा अगर आई तो अधिकारियों की खैर नहीं, बीडीओ साहब हो सकता है इस्तीफा दे देंगे, सीओ साहब हो सकता है छोड़कर ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन प्रभु जाइएगा कहा, यही काशी विधानसभा में ही रहना पड़ेगा ना। लेकिन प्रश्न पहले आकर तो ये टीका है, किनको आप दूल्हा बनाएंगे? दूल्हा कहने का मतलब है विधायक का प्रतिनिधि नहीं श्रीमान, उनको किनको उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं? ये बड़ा अक्टूबर के लास्ट में हम ये इंटरव्यू चला रहे हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ होगा। चलिए आज हमारे साथ है प्रकाश मिश्रा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा और स्वागत भी रहेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका चैनल के माध्यम से प्रकाश भाई आप मिश्रा जी हैं, बिहार वाला मिश्रा जी है? नहीं हम तो झारखंड। अरे मारे चलिए उधर मोतिहारी तरफ, मोतिहारी दरभंगा तरफ ही, अब कहाँ फंस गए आप जेल के में? आपको तो रहना चाहिए उधर राजद उजद का। एक्चुअली हम लोग गया तो क्या भी कर, हम लोग राजा के समय, हमारा दादाजी के भी जो पिताजी थे तो हम लोग राजा के समय हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तब से आप लोग जरा मतों की बात बोले कि हमारा घर गया था। नहीं उससे हम जब हमारा खतियान है तो उसको बोलने में क्या खतियान दिखा दिखा कर आप लोग सब कर रहे। अच्छा अभी प्रत्याशी लोग को उम्मीदवार घोषित करने में इतना देर का है भाई? देखिए प्रत्याशी जो है, जो प्रत्याशी जो लोग एक नियम बनाया है, जैसे जेडीकेएसएस का एक नियम बनाया था उसमें जो है कि इसे प्रत्याशी को जो एक पार्टी के आधार पर होना चाहिए, पार्टी का मेंबर, जो पार्टी का उच्च अधिकारी हो और पार्टी के प्रति जो मेहनत किया उसको टिकट देना अनिवार्य था। ये जो सिस्टम बनाया था जो पांच रहना चाहिए, हाँ जिसमें 5,000 है जो एगो सिस्टम बना दिया था पर डे, जिस समय प्रत्याशी 5,000 एक दीजिए और आपका फॉर्म भरिए, तो सबसे पहला गलती वही हुआ। खुला द्वार का नीति आ गया, हाँ वो एकदम दरवाजा खुला हुआ है एकदम, गाड़ी में बैठ जाइए उसके बाद पकड़ाइएगा तो फाइन देके निकल जाइए, यही बात है। बस वही बात, क्या गलती कर रहे हैं जयराम जी? जयराम जी का गलती है वो है जैसे खुला द्वार वाला नीति जो अपनाए है, जैसे कि हमारे जो है जेबीकेएसएस का जो मेंबर था, जो मेहनत करने वाला था, जो अधिकारी था, तो पार्टी की जो खड़ा किया, जो पार्टी को उच्च लेवल तक 2 साल मेहनत करके जो उसको लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, गांव तक पहुंचाया, उसका प्रचार प्रसार किया, उसको ध्यान नहीं दे रहे क्या? ध्यान दिए लेकिन बात यह गया कि उसको खुला नीति बर्बाद नहीं करना चाहिए था। जो बाहर के प्रत्याशी जो आकर जो 5,001 रुपया जो देकर नाम बताइए, देखिए नाम तो इसीलिए आपको बोल रहे मजबूत राजनीति करना तो कन्हाई चौहान जी से, कन्हाई चौहान जी है ना, पार्वती देवी और एक है जो मुरली डिबस्ती का क्या नाम है उनका हमको पता नहीं है, मास्टर जी है। कन्हाई चौहान दमदार उम्मीदवार है, आपको पता है कि नहीं? देखिए उम्मीदवार जीत दिलवाएंगे आपका पार्टी ने, एकदम खुला बात कर रहे हैं आप, बर्दाश्त भले आप नहीं कर पाइएगा, आप ही लग रहा किसी गुट में है। नहीं गुट की बात नहीं बोलते, जैसे जैसे कन्हाई चौहान का आप बात जुड़ा तो कन्हा चौहान पार्टी के प्रति कोई मेहनत नहीं। अच्छा कब का खतियान है आपका? हमारा तो 32 का पहले, उनका 1920 का खतियान है, हमसे बोले हो 1920 का खतियान है तो आपसे पुराना ना है जी, तो जेल के में नहीं रखिएगा उनको आप लोग? देखिए जेल कम का बात तो खतियान अलग जो है कि खतियानी बात हो गया, मान के चले खतियान देखिए अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव जीतने के लिए उसको पब्लिसिटी से चाहिए, आदमी जनता उसको जानना चाहिए, गांव जानना चाहिए। क्या गलती कर रहे हैं जरा मतलब यही है, कि जो बाहर के आदमी को जो वो आप फॉर्म भर के जो प्रत्याशी बनवा रहे वो गलत वहां पर गया, एकदम हो गया गलती, एकदम गलत पाप हो गया। ये किन लोगों के लिए पाप हुआ जो 2.5 वर्ष से आपका धूप पानी बरसात सब चीज को झेले, उसके लिए नुकसान था। अच्छा अभी जो प्रत्याशी लोग 14 का फॉर्म भरे बागमारा में ही बात कर रहे या कहीं और भी, तो ये जो लेट हो रहा बीपी शुगर अस्थमा हो जाएगा सोचते सोचते, स्वाभाविक लेट जितना हो रहा है प्रत्याशी को घोषणा करने में नुकसान उतना ही ज्यादा हो, अगर प्रत्याशी को 2-3 महीना पहले अगर नहीं घोषणा कर रहा है तो बागमारा से हमको नहीं लगता, हमको नहीं लगता से बागमारा से जेबीकेएसएस जीत हासिल कर पाए, जीत जाएगा हो सकता बीजेपी नहीं, जनता का मुंह आधा विधानसभा विधान लोकसभा चुनाव जो है मोदी को वोट देख के वोट, इस समय हो सकता है शरद माथुर को देख के वोट, तो तब ये बात आप मान रहे हो सकता है अगर आप सचिव पद पर हैं मंडल अध्यक्ष सचिव पद पे हैं
तो कल पार्टी निकाल देगी, आप जो बयान दे रहे मान लेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम कटु सत्य बोलिएगा, कटु सत्य हम बोलेंगे। और हमको अगर निकाल दे देगा ना पद से तो हम लोग कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम जयराम भी जेल के अंदर रहिएगा कि नहीं अगर निकाल दिए। हाँ हमने बढ़िया पर ही के तौर पर काम करेंगे। पतिक महतो को आप चाहते हैं उम्मीदवार बनाना? देखिए पतिक महतो एक पब्लिसिटी आती जनता मालदार भी है, मालदार कोई जरूरी नहीं है, सब मालदारी आदमी जीतेगा, पार्टी उसको जानना चाहेगा। अच्छा दीपक रवानी बनेगा तो क्या दिक्कत? रवानी समीकरण है 46,000 वोट है श्रीमान नहीं। रवानी अच्छा केवल आप एक ही जगह रुके हुए हैं प्रदीप महतो? देखिए प्रदीप मातो की इसलिए हम बोल, ताकि प्रदीप मातो जो है ना वो जनता के बीच में, जनता से उसको भली भांति जानता, उसको जानता है, जैसे कि हमारा उधर क्षेत्र है मोगा क्षेत्र है, हर आदमी उसको जानता है। कतरास जोन में आ जाइए, कतरास जोन में हर एक आदमी जहां भी खड़ा होता है 100 आदमी के बीच में खड़ा होता, उसको टिकट देने से क्या होगा, जान उसको 99% उम्मीद है कि जीत हासिल कर पाएगा, फाइट कर पाएगा अगले से। अगला जो दो विपक्ष जो है उससे आराम से फाइट कर पाएगा। और रह गई बात जो दीपक रवानी, दीपक रवानी का हमको नहीं लगता है कि वो 5,000 वोट, मिश्रा जी दीपक रवानी से नहीं बनता है आपका? नहीं बनने के बाद नहीं, जो सही बात अगर है दीपक रवानी को सुनिए, टिकट मिलता है तो आप कंपेनिंग में जाएंगे या नहीं? पार्टी के तौर पर हम तो जरूर जाएंगे, जरूर लेकिन जाएंगे, आत्मा हम दिल लोग से नहीं नहीं गवा होगा। देंगे। मैंने दीपक मन की बात रावत और दिमाग की बात ये अलग अलग, दिल का बात अलग चलेगा सर। बात नहीं है, पार्टी के प्रति हम काम करेंगे, ऐसा बात नहीं है तो किसी को दे, लेकिन बात रह गया कि जो प्रत्याशी जीतने का पावर, जो जीत हासिल कर सके, जो जनता के कब तक बीच, घोषणा होगा टिकट? अभी सुप्रीमो का आज 5-6 तारीख अपना हो गया, निर्णय है, और सुप्रीमो इसको जितना जल्दी हो सके घोषणा कर देने से बढ़िया अपना होगा, सीट का तो घोषणा क्योंकि कर दिया नंबर 1 तो को। अपना वाला कर दिया, तो सबसे पहले उसको बागमारा जोन में करना चाहिए, गलती तो वही वहां भी हो रहा है, अपना प्रत्याशी लास्ट में उसको घोषणा करना चाहिए सबसे शाबाश गजब का पहले। बात। सबसे पहले जब लेकिन बागमारा में प्रकाश जो मिश्रा जी का एक राजनीति, बात है स्पष्ट, न लाग न लपेट न पक्ष न विपक्ष, एक बात ये श्रीमान कह रहे हैं कि जो काम सबसे लास्ट में करना चाहिए था, आप तो उम्मीदवार पहले से सिलेक्टिव थे, लेकिन आप पहले अपने आप को रख दिए, गलती हुआ, गलती हुआ मार्केट में एकदम मैसेज जा पक्का, रहा है मैसेज जा रहा है, जनता भी इसको थोड़ा सुन रहा है, उल्टे थोड़ा ढंग से इसमें बोले। रिएक्शन चलिए अंतिम उल्टा हो रहा अंतिम है। चंद शब्दों में क्या अनुरोध करेंगे जयराम महतो जी से, अगर ये वीडियो उनके तक पहुंच जाए तो? देखिए हम जयराम माथुर जी से ये अनुरोध कर रहे हैं, जितना से जितना जल्दी हो सके बागमारा के प्रत्याशी और डेट धनबाद बता से, देते तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता, जल्दी से जल्दी जो होगा ना। जल्दी से जैसे देखिए पूजा दुर्गा पूजा नवरात्रा जो चल रहा है उससे पहले कर ले, या फिर नवरात्रा के एक दिन इसी में बस उसके बाद इसका इसमें, रास्ता तय हो हाँ जाएगा। इसमें रास्ता तय चलिए बहुत बहुत आप। धन्यवाद मिश्रा जी। एक तो छोटा सा कहानी कहेंगे, गणेश जी को कोई पिनका दिया, बोला कि तुम्हारा शादी नहीं कर रहे हैं शंकर जी। गणेश जी को ध्यान से सुनिएगा, पिनका दिया तुम्हारा शादी नहीं कर रहे हैं शंकर जी। वो भी गए पिताजी शादी होगा कि नहीं क्लियर कट करिए, बोले कल कर दो, ध्यान से सुनो कल कर दो। फिर कल आया, फिर गए बोले कि पिताजी सदिया होगा कि नहीं, बोले ना कल कर देंगे। कल कल का चक्कर में भैया कल कल ना हो जाए जेल के, ये बड़ा ध्यान रखिएगा, स्पष्ट करें ना लाग ना लपेट, कि कल कल जो घोषणा होगा कि कल कल अपने पार्टी और उम्मीदवार के बीच में ना हो जाए। मिश्रा जी पहला व्यक्ति मिले जेल के में जो एकदम खुल्लम खुल्ला खुले द्वार की नीति का विरोध कर रहे, हालांकि चाइना वाला बात था, अब चाइना तो नहीं, इंडियन करेंसी में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश मिश्रा जी, और एक बार दोनों भाई लोग हम लोग बिहार का राजनीति में घूमते हैं जो आज झारखंड। और प्रकाश भाई के लिए एक संदेश, ऐसा ही होना चाहिए प्रत्याशी का समर्थक या विरोधी दोनों। जय हिंद।